हेलो चिल्ड्रेन, इसके पहले आपके क्लास में अर्थात टेंथ में हमने चर्चा की है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, पदार्थों का परिवहन या सर्कुलेशन ऑफ मटेरियल। तो बच्चों, आप लोगों ने प्लांट्स में सर्कुलेशन देखा, ट्रांसपोर्टेशन को देखा, एनिमल्स में भी देखा। हमने ये देखा कि एनिमल्स में ये पदार्थों के परिवहन या परिसंचरण में, सर्कुलेशन में, ब्लड आर्टरी यानी वेसल्स एंड हार्ट की अहम भूमिका होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करते हैं बच्चों ये ब्लड वेसल्स एंड आर्टरी एंड आपका ये ब्लड वेसल्स। तो ब्लड पर हमने चर्चा कर ली है, ब्लड का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को हमने देखा है, और आज जो हम पढ़ेंगे ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेन है आपके बॉडी के लिए, जिसका नाम है हार्ट। हार्ट हिंदी में हृदय। तो बच्चों, हार्ट इज अ सेंट्रल पंपिंग ऑर्गेन। हार्ट जो है ये केंद्रीय पंपिंग अंग है, सेंट्रल पंपिंग ऑर्गेन। हार्ट इज ए सेंट्रल पंपिंग ऑर्गेन, इट इज सेंट्रल पंपिंग ऑर्गेन। हार्ट को हम क्यों बोलते हैं सेंट्रल पंपिंग ऑर्गेन, तो आप जान लो बच्चों, ये मैंने हार्ट ब्लड पर प्रेशर उत्पन्न कर उसे होल बॉडी में सर्कुलेट कराता है, इट एग्जर्ट्स प्रेशर, प्रेशर ऑन ब्लड एंड इट सर्कुलेट्स एंड सर्कुलेट्स इन होल बॉडी, संपूर्ण शरीर में ये परिसंचरित होता रहता है। तो रक्त पर प्रेशर डालकर ये रक्त को संपूर्ण शरीर में सर्कुलेट कराता रहता है बच्चों। इसी कारण से हार्ट को सेंट्रल पंपिंग ऑर्गेन कहा जाता है। ड्यू टू दिस कॉज हार्ट इज नोन एज सेंट्रल पंपिंग ऑर्गेन। उसके बाद बच्चों, इसका हम पोजीशन जानेंगे, तो हार्ट जो है एक अत्यंत सॉफ्ट मस्कुलर स्ट्रक्चर है, जो थोरैसिक कैविटी में, जो थोरैसिक कैविटी के मिडिल में, रिब्स के नीचे, लंग्स के बीच में पाए जाते हैं। तो ये इट इज सॉफ्ट, मुलायम या
मस्कुलर, इट इज सॉफ्ट मस्कुलर स्ट्रक्चर, मस्कुलर स्ट्रक्चर which lies या which is situated in thoracic cavity, thoracic cavity, thoracic cavity में below ribs and butt, below ribs, ribs में पसली बताऊं, below ribs and middle of the lungs and middle फेफड़ों के बीच में middle of lungs बच्चों, ये हार्ट का हमने देखा पोजीशन कि हार्ट इज ए सेंट्रल पंपिंग ऑर्गन, इसे हम सेंट्रल पंपिंग ऑर्गन इसलिए कहते हैं कि ये ब्लड पर प्रेशर एग्जर्ट करता है और प्रेशर एग्जर्ट करने के कारण ब्लड सर्कुलेट हो जाते हैं इन होल बॉडी में, समझ गए बच्चों। उसके बाद ये सॉफ्ट मांसल संरचना है जो थोरसिक कैविटी में रिब के नीचे और लंग्स के बीच में स्थित होते हैं बच्चों। तो अभी हमने देखा हार्ट का ये पोजीशन, अब हमें देखना है स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। तो आइए बच्चों हम चर्चा करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। इसके पहले हमने आपसे डिस्कशन किया व्हाट इज हार्ट, तो आपको ये पता है कि हार्ट इज सेंट्रल पंपिंग ऑर्गन। नाउ आई शैल टीच यू अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। तो देखिए स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट बच्चों, हार्ट का हमें देख रहा है संरचना, ये ऐसा मशीन है आपके बॉडी में कुदरत ने ये मशीन ऐसा ऐसा लगा दिया कि आपको आपके ब्लड को सर्कुलेट करता रहता है और इसके बिना तो लाइफ कहानी में कर ही नहीं सकते। इस चीज को आप जान लो बच्चों, बहुत छोटा ट्रायंगुलर त्रिकोणीय स्ट्रक्चर हार्ट का स्ट्रक्चर जो होता है वह ट्रायंगुलर होता है, त्रिकोणीय होता है, मस्कुलर होता है, मांसल होता है। इसका कलर यह कार्डियक मसल से बना होता है बच्चों, कार्डियक मसल से बनने वाला स्ट्रक्चर, और इसका अपर पार्ट चौड़ा और लोअर पार्ट ट्विस्टेड संकीर्ण होता है बच्चों। तो पहले देखो तुम जान लो कि या इट इज ट्रायंगुलर इन शेप, इट इज ट्रायंगुलर त्रिकोणीय तीन कोण वाला, आप मैथ में पढ़े होंगे ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर, तो ये तीन कोण वाला स्ट्रक्चर हार्ट। और इसके बाद बच्चों इट फॉर्म्स बाय कार्डियक मसल दैट मसल्स व्हिच डज नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू अवर विशेस व्हिच इज कॉल्ड कार्डियक मसल्स या इनवॉलेंट्री मसल्स। तो ये कार्डियक मसल्स, तो बच्चों ये फॉर्म्स बाय, इट फॉर्म्स बाय कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल्स
आपके बुक में फिगर बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप का है और अभी बोर्ड पर जो बनाएंगे आप इसे गौर से देखोगे, कोशिश करोगे बनाने का, अगर कोशिश करोगे तो बहुत अच्छा से बना लोगे, बल्कि ध्यान से सुनोगे तो तुम्हें याद रहेगा। इसमें नाम थोड़ा सा भारी तुमको भी लगेगा एट फर्स्ट में, लेकिन जब पढ़ोगे तुम्हारी हैबिट बन जाएगी तो तुम्हें वो भी भारी नहीं लगेगा बच्चों। इससे थोड़ा सा ध्यान दो, अपने अपने माइंड को कॉन्सेंट करो ऑन द ब्लैक बोर्ड बच्चों। अभी हमने बोला है कि हाउ डू गेट ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स, तीन कोण वाला संरचना, देखो बच्चों ये हैट शेप में ट्रायंगुलर और ये डबल मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं। इसके सबसे बाहरी मेम्ब्रेन को एपिकार्डियम, हैट के आउटर मेम्ब्रेन को एपिकार्डियम और हैट के इनर मेम्ब्रेन को भीतरी मेम्ब्रेन को इंडोकार्डियम। इंडोकार्डियम दैट्स ऑल आउटर मेम्ब्रेन ऑफ हार्ट इज नोन एज एपिकार्डियम और इनर मेम्ब्रेन ऑफ हार्ट इज नोन एज इंडोकार्डियम। एपिकार्डियम इंडोकार्डियम और दोनों का कंबाइंड फॉर्म बॉक्स, ये एपिकार्डियम और इंडोकार्डियम का कंबाइंड रूप जो होता है वह कहलाता है पेरिकार्डियम। जान लो बच्चों ये तुम्हारा दोनों मिलकर के ये झिल्ली कहलाएगा पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम और ये एपिकार्डियम और इंडोकार्डियम दोनों का कंबाइंड फॉर्म है पेरिकार्डियम। अब तो एपिकार्डियम और पेरिकार्डियम के बीच में एक विशेष प्रकार के एपिकार्डियम और इंडोकार्डियम के बीच में एक विशेष प्रकार के लिक्विड पाए जाते हैं। जिस लिक्विड को हम पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं, कौन सा फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड। एपिकार्डियम और इंडोकार्डियम के बीच पाए जाने वाले लिक्विड को पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं बच्चों। और ये पेरिकार्डियल फ्लूइड ऑलवेज आउटर स्ट्रोक से बाहरी आघातों से हार्ट की रक्षा करता है और हार्ट को ड्राई होने से बचाता है बच्चों, हार्ट को ड्राई होने से बचाता है। तो ये पेरिकार्डियल फ्लूइड आउटर स्ट्रोक से हार्ट की रक्षा करता है बच्चों। अब ये हार्ट का ऊपर वाला पोर्शन आप देख रहे हो ना, ऊपर का जो शेप है वो अलग है, नीचे का शेप अलग है। हार्ट का ऊपर वाला पोर्शन चौड़ा होता है और नीचे वाला पोर्शन संकीर्ण होता है। तो हार्ट के ऊपर वाले पोर्शन को जो चौड़ा होता है, चौड़ा पोर्शन को, वाइड पोर्शन को आरिकल कहते हैं, आरिकल। और ये आरिकल एक सेप्टम के द्वारा, एक ये ऑरिकल एक सेप्टम के द्वारा
जिस सेप्टम को हम बोलते हैं इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, प्लीज डोंट पजल अफ्टर हियरिंग दिस नेम इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। अब घबराएंगे नहीं, क्या बोलेंगे इसको, ये ऑरिकल के सेप्टम को, दीवाल को, पार्टीशन को इंटर ऑरिकुलर सेप्टम बोलते हैं। और इंटर ऑरिकुलर सेप्टम के कारण, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम के कारण है दो भागों में डिवाइड होता है, जिसे हम राइट ऑरिकुल, राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल कहते हैं। तो ये सेप्टम इसका कहलाएगा इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। और इस सेप्टम के कारण हर दो भागों में डिवाइड होते हैं, तो ये राइट ऑरिकल कहलाएंगे, राइट ऑरिकल, और इसको हम बोलेंगे लेफ्ट ऑरिकल। कौन सा ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल और राइट ऑरिकल तथा लेफ्ट ऑरिकल के बीच के सेप्टम को, कौन सा सेप्टम, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। कौन सा सेप्टम, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम कहते हैं बच्चों। अब है आपका के हट के नीचे वाला पोर्शन जो संकीर्ण होता है, ट्विस्टर होता है, उस संकीर्ण पोर्शन को बोलते हैं ये वेंट्रिकल। और ये वेंट्रिकल जो है ये भी मांसल पार्ट है हेड का, मस्कुलर पोर्शन। ये वेंट्रिकल हेड का मस्कुलर पोर्शन है बच्चों। उसके बाद ये हेड के डॉर्सल सरफेस पर एक मोटी नली, एक गहरे लाल रंग की मोटी नली होती है, जिस गहरे लाल रंग की मोटी नली को हम साइनस वेनोसस, इसे हम क्या कहेंगे बच्चों, साइनस वेनोसस, साइनस, साइनस वेनोसस, साइनस वेनोसस, एक डीप कलर, रेड कलर की थिक ट्यूब होती है, जिस थिक ट्यूब को हम बोलते हैं साइनस वेनोसस बच्चों। और साइनस वेनोसस का पोस्टेरियर पार्ट, साइनस वेनोसस का पोस्टेरियर पार्ट कहलाता है प्री कैवल वेन, प्री कैवल, ये पोस्ट कैवल वेन, पोस्ट, पोस्ट कैवल वेन, इसको हम क्या बोलेंगे, पोस्ट कैवल वेन बच्चों। उसके बाद ये साइनस वेनोसस जो है बच्चों, साइनस वेनोसस एक डीप कलर की नली है। और ये अभी हमने देखा कि ये वेंट्रिकल भी इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम के द्वारा, वेंट्रिकल भी इंटर वेंट्रिकुलर, इंटर वेंट्रिकुलर, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम के द्वारा, ये वेंट्रिकल भी इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम के द्वारा दो भागों में डिवाइड होते हैं बच्चों। ये इंटर और वेंट्रिकुलर सेप्टम के द्वारा ये दो भागों में, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल दो भागों में ये डिवाइड होते हैं बच्चों। इसके बाद में आपने देखा कि देयर आर फोर चैंबर्स, फोर चैंबर्स इन हार्ट, मानव हार्ट में कौन सा, कितने चैंबर्स, चार चैंबर्स, उसमें टू ऑरिकल्स
लेफ्ट ऑरिकल और राइट ऑरिकल. राइट ऑरिकल बच्चों इसमें कोई प्रॉब्लम? इसके बाद बच्चों हट से यह साइनस मिनोसस को टच करती हुई एक मोटी नली जाती है हट में. साइनस मिनोसस को टच करती हुई साइनस मिनोसस को टच करती हुई एक मोटी नली जाती है जिस मोटी नली को हम बोलते हैं ट्रंकस आर्टेरियोसस. ये मोटी नली हट को पार करती हुई ओरिकल और वेंट्रिकल को पार करती हुई ऊपर की ओर जाती है जिस मोटी नली को हम बोलते हैं ट्रंकस आर्टेरियोसस. क्या बोलते हैं इसको बच्चों? ट्रंकस आर्टेरियोसस. ट्रंकस आर्टेरियोसस. ट्रंकस आर्टेरियोसस. अब बच्चों आपने देखा और ये ट्रंकस आर्टेरियोसस जो है ये निम्नांकित आर्च में बढ़ जाते हैं जिस आर्च को हम कहते हैं ये सिस्टमैटिक आर्च. ये पल्मोकुटेनियस आर्च. ये सिस्टमैटिक आर्च. ये पल्मोकुटेनियस आर्च. और सारे आर्च हैं जिनसे ये डिवाइड मैंने बढ़ जाते हैं बच्चों. तो सिस्टमैटिक आर्च, पल्मोकुटेनियस आर्च, सिस्टमैटिक आर्च, पल्मोकुटेनियस आर्च बच्चों तो ये डिफरेंट आर्च में डिवाइड कर जाते हैं. इसको बोलेंगे साइनस मिनोसस के डट को प्री कैवल वैन. तो बच्चों अभी हमने बताया ये हट का जो है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम इंटर ऑरिकुलर सेप्टम ये वाल्व से घिरे होते हैं. इस वाल्व को बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व. इस वाल्व को हम क्या बोलेंगे? बाइकस्पिड वाल्व. और इस वाल्व को हम बोलेंगे ट्राइकस्पिड वाल्व. इस वाल्व को हम क्या बोलेंगे बच्चों? ट्राइकस्पिड वाल्व. एक वाल्व बाइकस्पिड वाल्व जो इंटर ऑरिकुलर सेप्टम के पोल पर स्थित होते हैं ये वेंट्रिकल के ब्लड को ऑरिकल में जाने देते हैं बट ऑरिकल के ब्लड को वेंट्रिकल में आने नहीं देते हैं. हेयर ये ट्राइकस्पिड वाल्व ऑरिकल के ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमने बताया आपको ब्लड प्रायर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दैट इज प्योर ब्लड को बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो ये ऑरिकल के ब्लड को वेंट्रिकल में ट्राइकस्पिड वाल्व आने देता है बट वेंट्रिकल के ब्लड को ऑरिकल में नहीं जाने देता. दैट मीन्स ब्लड का फ्लो जो होता है ऑरिकल में ये सेम डायरेक्शन में बच्चों तो और इसमें अपोजिट डायरेक्शन में होता रहता है बच्चों ब्लड का. तो ये देख लो तुम तो बाइकस्पिड वाल्व ट्राइकस्पिड वाल्व और हार्ट के वेंट्रिकल्स में ये वेंट्रिकल्स में एक मसल्स नुमा संरचना होता है जिस संरचना को हम बोलते हैं कॉर्डी टेंडनी. तो
ये आपका हार्ट का स्ट्रक्चर है बच्चों, ये स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, स्ट्रक्चर ऑफ फिगर, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। तो ये हार्ट का संरचना है बच्चों। अब हमें हार्ट के फंक्शन को देखना है, क्योंकि यू आर स्टूडेंट ऑफ क्लास टेंथ, अगर आप वही 11th 12th में जाएंगे बच्चों तो हार्ट का स्ट्रक्चर आप इन डिटेल्स में, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर आप पढ़ेंगे, बट हेयर आपके बुक में, क्लास टेंथ के बुक में ये प्रेस्क्राइब है, ये जनरल रूप्स है, ये कॉमन रूप्स है स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। इसलिए हमने आपको कॉमन रूप्स बता दिया बच्चों। आपने पढ़ा हार्ट इज पंपिंग ऑर्गन, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों पंपिंग ऑर्गन? क्योंकि ये ब्लड पर प्रेशर एक्सर्ट करता है, जिस कारण से ब्लड होल बॉडी में सर्कुलेट कर जाता है बच्चों। इस चीज को आप कभी भी नहीं भूलोगे। सो दैट हार्ट इज नोन एज सेंट्रल पंपिंग ऑर्गन। आप ये जान लो हार्ट मस्कुलर स्ट्रक्चर, आप ये भी जान लो हार्ट सॉफ्ट स्ट्रक्चर, और आपका हार्ट कहां लाया है तो एब्डोमिनल कैविटी, बॉडी कैविटी को बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी या थोरासिक कैविटी बच्चों, एब्डोमिनल कैविटी या थोरासिक कैविटी। तो ये एब्डोमिनल कैविटी के में है ना रिब्स, आपका ये रिब्स है, रिब्स के नीचे, रिब्स के नीचे, और ये लंग्स बीच में है, लंग्स के बीच में, दो लंग्स आपके बॉडी में, दोनों लंग्स के बीच में आपने देखा कि एक मल्टीमेले रंग का एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर, एक सॉफ्ट स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिस सॉफ्ट स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, हार्ट बोलते हैं। ये बहुत मतलब ऐसा एक मशीन है बच्चों कि आप खरीद नहीं सकते इसको, ये नेचुरल थिंग, आप इसको बदल भी नहीं सकते। ये जब तक काम करेगा आप उस दुनिया के जनक, और नहीं काम करेगा तो फिर उस दिन उसी क्षण आपको यहां से चल देना है। ये ऐसी मशीन है बच्चों। तो अभी देखा आपने हार्ट के, मानव हार्ट में क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी चैम्बर्स ऑफ ह्यूमन हार्ट, तो इसका जवाब होगा मानव हार्ट में 4 चैम्बर्स, कौन कौन, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ऑरिकल हार्ट का कौन सा पार्ट है, तो ऑरिकल हार्ट का अपर पार्ट है जो वाइड या चौड़ा होता है। वेंट्रिकल हार्ट का कौन सा पार्ट है, तो वेंट्रिकल हार्ट का ट्विस्टेड पार्ट है जो कि संकीर्ण होता है बच्चों। तो आपने ये देखा कि व्हाट इज ट्रंकस आर्टेरियोसस, तो ट्रंकस आर्टेरियोसस इज ए थिक ट्यूब, एक मोटी नली है जो क्या कहलाता है, ये ट्रंकस आर्टेरियोसस, जो कि आगे चल करके कई आर्चेज में डिवाइड हो जाते हैं हार्ट के वेंट्रल सरफेस पर। हार्ट के वेंट्रल सरफेस पर एक गहरे लाल रंग की तिकोनी नली होती है, जिस नली को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साइनस मिनोसस। और ये साइनस मिनोसस का नीचे वाला पोर्शन पोस्ट कैवलमैन, और साइनस मिनोसस का ऊपर वाला पोर्शन, ऊपर वाला जो पार्ट सही है, ये इसको हम बोलते हैं हार्ट से आउट होता है, वह कहलाता है प्री कैवलमैन। देख लीजिए कुदरत अगर हमें बनाई है, हम नेचुरल थिंग्स हैं, तो अकॉर्डिंग टू नेचर हमारे बॉडी में हर एक चीज एडजस्ट कर दी है नेचर, ताकि ये 24 आवर काम करता रहता है, कभी ये रुकता नहीं बच्चों। ये ऐसी मशीन है, ये नेचुरल मशीन, कर आप इसको बदल भी नहीं सकते हो। ये आप पर डिपेंड करता है कि इसको आप कैसे स्वस्थ रख सकते हो। तो आइए बच्चों, अभी हमने देखा हार्ट के स्ट्रक्चर को, अब थोड़ा हम जान लेंगे हार्ट के फंक्शन को। हार्ट के फंक्शन को हमें देखना है बच्चों।
function of heart. मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी जान लो, आपका ये ऐसी मशीन है कि कभी रेस्ट नहीं करता। पहले मैं बता चुका है, ये आप रेस्ट, तुम देखो अपने हाथ रख के देख लो, ये आवाज करता रहता है, धक धक की आवाज करता रहता है, वाइब्रेट करता रहता है 24 आवर्स ये हार्ट मोशन करता है। और ये आपके डीआर के अनुसार नहीं, चूंकि ये कार्डियक मसल्स के बने होते हैं, हार्ट कभी फैलता है तो कभी सिकुड़ता है, हार्ट कभी फैलता है तो कभी सिकुड़ता है, एक्सपेंड करता है, कभी हार्ट में एक्सपेंशन होता है, फैलाव होता है, तो कभी हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन या संकुचन, हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन, या एक्सपेंशन और कॉन्ट्रेशन, है ना, होता रहता है। तो कॉन्ट्रैक्शन को हम रिलैक्सेशन भी बोल सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शन को ये रिलैक्सेशन भी कह सकते हैं, रिलैक्सेशन फैलाव और संकुचन, ये 24 आवर्स कभी भी ये बंद नहीं होता, इसमें ये मोशन कभी बंद होता ही नहीं बच्चों, ये बंद हो जाएगा तो हमारी जिंदगी बंद हो जाती है, इस चीज को याद रखो। तो इसके एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन को हम बोलते हैं हार्ट बीट, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, हार्ट बीट हृदय गति, आप बार बार सुनते हैं कि हृदय गति बढ़ जाने के कारण, हार्ट ब्रश कर गया, मुंह से ब्लीडिंग हुआ है ना, कहीं पेन से ब्लीडिंग हो जाता है, तो यही है हार्ट अटैक बच्चों। तो आपका हार्ट का मोशन सही रूप से काम नहीं करेगा, आजकल तो मैक्सिमम व्यक्ति इस चीज से ज्यादा हार्ट डिजीज से, कार्डियोलॉजिक डिजीज से ज्यादा सफर कर रहे हैं बच्चों। तो हार्ट का प्रॉब्लम पहले जानो, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन हार्ट का क्या कहलाता है, ये हार्ट बीट। तो हार्ट बीट में एक होता है सिस्टोल, हार्ट बीट में एक सिस्टोल होता है और दूसरा होता है डिस्टोल, सिस्टोल एंड डिस्टोल, डिस्टोल सिस्टोल एंड डिस्टोल। तो सिस्टोल जो हो गया आपका एक्सपेंशन हो गया, डिस्टोल जो हो गया आपका रिलैक्सेशन हो गया, और यही सिस्टोल और डिस्टोल का कंबाइंड फॉर्म जो है वो हार्ट बीट कहलाता है, और इसी हार्ट बीट के कारण, हृदय गति के कारण ब्लड में, ये हर बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन, बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन या संचरण होता रहता है बच्चों। तो यही है आपका हार्ट का फंक्शन। और अब एक छोटा है, ये हार्ट में एक मशीन, हार्ट को चेक करने के लिए एक मशीन आती है जिसको हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जिसे हम शॉर्ट में ईसीजी भी बोलते हैं, ईसीजी
ये हार्ट केयर बीट का ऑलवेज फिगर लेता है और वो फिगर बता देता है कि आप हार्ट पेशेंट हैं या नहीं है बच्चों। इससे भी ये क्लियर करेगा आपको कि आप हार्ट आपके हार्ट का बीट जो है वो सही रूप से काम करता है या नहीं। तो इसके संबंध में जानने के लिए हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन का हम उपयोग करते हैं बच्चों। अब हार्ट में एक होता है डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन क्या होता है? डबल सर्कुलेशन बच्चों, तो अभी हमने बताया आपको हार्ट का ओरिकल, हार्ट का वेंट्रिकल। अगर ब्लड ओरिकल से वेंट्रिकल में आता है और वेंट्रिकल से ओरिकल में, फिर वेंट्रिकल से ओरिकल में, फिर ओरिकल से वेंट्रिकल में, तो यही होता है ये डबल सर्कुलेशन, इसको हम बोलते हैं बच्चों। और हृदय की धड़कन का राइटरी कॉन्ट्रैक्शन एक विशेष प्रकार के नर्वस टिश्यू के द्वारा होता है जिसे साइनो ऑरिकुलर नोड कहते हैं। राइटरी कॉन्ट्रैक्शन तालबद्ध रूप से हृदय का कॉन्ट्रैक्शन होना या एक्सपेंशन होना वह क्या का होता है? तो साइनो ऑरिकुलर नोड एस ए कहलाता है बच्चों। राइटमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, राइटमिक कॉन्ट्रैक्शन तालबद्ध संकुचन हार्ट का, तो साइनो ऑरिकुलर नोड के नाम से जाने जाते हैं बच्चों। इसके बाद इसमें एक चीज और है जो आप जान लो बच्चों, पेस मेकर जो है वह इसी पेस मेकर हार्ट का ये साइनो ऑरिकुलर नोड से कंट्रोल किए जाते हैं। तो बच्चों ये हार्ट का स्ट्रक्चर और फंक्शन आज आपका समाप्त हुआ। दूसरे दिन हम फिर ब्लड वेसल की चर्चा करेंगे बच्चों। धन्यवाद।